जी शायद भाई, आप बता रहे थे। अच्छा, तो एक तो ये हमारा, यानी कि एक हमने स्कूल का रिसर्च एनवायरनमेंट पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे वहां से निकलें और यूनिवर्सिटी में जाएं, इनको रिसर्च का पता हो। दूसरा ये है कि हम कोशिश करें कि बच्चों को कंप्यूटेशनल साइंस में लेके आया जाए, ताकि ये लोग अच्छी क्वालिटी के पब्लिकेशन कर सकें पाकिस्तान में बैठे हुए। और तीसरा ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों को हम बाहर भेज सकें किसी तरीके से, ताकि वो पीएचडी करके पाकिस्तान कभी ना कभी तो आए, या नहीं भी आए तो पाकिस्तान का नाम ही बनेगा जहां कहीं भी वो काम करेंगे। अब ये तो तीन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसके लिए वो पंजाबी में कहते हैं ना हींग लगी है ना फटकरी लगी, तो हमने बैठे ही कंप्यूटर पे ये काम सारा कर दिया। ठीक है, तो टाइम हमारा लगा, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके अलावा तो हमने सारा बैठा कंप्यूटर पे काम हमारा कर दिया। अब चौथा जो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर मैं आपसे उस वक्त बात कर रहा था, कि एक तो मुहावरा होता है कि यार मेरी रात की नींद खराब हुई है, ये मुहावरा नहीं है, ये मैं आपको लिटरली मैं कि हमारे बच्चे जो सड़कों पे पढ़ रहे हैं, ये जो टाइम बम हम बना रहे हैं, ये टाइम बम जब फटेगा रेहान भाई, हम सब इसकी जद में आ जाएंगे। फिर कोई रेहान, कोई शायद कमर, कोई किसी की कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी। फिर ये 2.5-3 करोड़ बच्चा ये गन लेके सड़कों पे आएगा, ये रेपिस्ट बनेगा, ये डाकू बनेगा, ये चोर बनेगा, ये रेहान की भी इसकी जद में आएगा, ये शायद भी जद इसकी जद पे आएगा, वो प्रोफेसर भी जद पे आएगा, वो डॉक्टर भी जद में इसकी आएगा। फिर हम हमारे हाथ से टाइम निकल जाएगा, ये हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस पे सोच कोई नहीं रहा, इस पे कोई किसी की कोई एफर्ट्स नहीं है पाकिस्तान के अंदर। कोई बंदा इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, कोई बंदा इसके ऊपर सोच नहीं रहा, विजन नहीं है, शायद अकल नहीं है, विजन नहीं है, वो थॉट प्रोसेस नहीं है कि ये कैसे हम इसको हम कर सकते हैं। एनीवेज, मैं काफी देर से इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि किस तरह इस प्रोजेक्ट को किया जाए, किस तरह हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें कि ये बच्चे जो हैं ये स्कूलों में जाना शुरू हो जाएं, और एटलीस्ट इस काबिल हो जाएं कि ये अपना नाम पता लिखें, ये 5th ग्रेड 6th ग्रेड 10th ग्रेड तक चले जाएं। एक दफा इनमें स्पार्क पैदा हमने कर दिया तो ये अपना खुद ब खुद ये बना लेंगे रास्ता, खुद ब खुद ये बना लेंगे। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही है कि इसको किस तरह किया जाए। हमने बड़ी रिसर्च की है, बड़ा सोचा है। खैर, मेरे जहन में आइडिया है, कुछ वो अकेले मेरे से होने वाला नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डॉट कनेक्ट करूँ पाकिस्तान के अंदर जो लोग एकेडमी में काम कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी जिनके पास है, जो करिकुलम डिजाइन करते हैं, इन सबको मिला के कोई एक प्रोजेक्ट इस तरह का डिजाइन किया जाए कि अगले 10 सालों के अंदर हमारा कोशिश हो कि कोई बच्चा भी जो है ना वो स्कूल से बाहर ना हो, सबको सब हम एक एजुकेशन के साथ इक्विप कर दें। खैर, इसका पहला जो सबसे पहली जो चीज है जिसका जो इसके ऊपर मैं काम करना चाह रहा हूँ, वो है अवेयरनेस, कि हम लोगों को इस चीज की अवेयरनेस नहीं है। ये सब लोग बात कर रहे हैं जी, 2.5-3 करोड़ बच्चा स्कूल में नहीं जाता, वो किसी भी पूछ लेंगे, नंबर शायद आपको बता देंगे, लेकिन क्या ये एनफ अवेयरनेस है? ये अवेयरनेस मैं कोशिश कर रहा हूँ उस लेवल की पैदा की जाए कि आप पे ये एहसास गुना आपकी हद तक अवेयरनेस आ जाए आपके जहन में, कि जब आप घर से बाहर निकलें, कोई बच्चा आपकी गाड़ी साफ करने के लिए आए, तो पहला ख्याल आपके जहन में आए कि यार ये बच्चे को तो स्कूल होना चाहिए, ये गाड़ी मेरी क्यों साफ कर रहा है। ये एहसास जब आपके दिल में आएगा, ये गुनाह की हद तक आएगा, तो शायद हम इसके अंदर कुछ करेंगे। जब आपके घर में एक बच्चा पोछा लगा रहा है, तो पोछा जब लगा रहा है तो आपके जहन में ये ख्याल आना चाहिए, नहीं यार इस बच्चे को स्कूल होना चाहिए, ये क्यों मेरे घर में पोछा आ रहा है, तो आपको एक गुनाह का एहसास हो, आपके ऊपर एक कम्युनिटी का प्रेशर हो, ये एक स्टिग्मा हो आप पर कि नहीं ये आप एक गलत काम कर रहे हैं, अखलाकी तौर पे भी आप सोच रहे हो, कानूनी तौर पे भी आप सोच रहे हो। तो ये अवेयरनेस जब मेरे मुल्क में मेरे लोगों में आ जाएगी, तो फिर शायद हम इसके लिए सोचेंगे, इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इसके ऊपर हम फिर काम करना सोचेंगे, फिर दुनिया भी हमारी हेल्प करेगी, फिर सोसाइटी भी हमारी हेल्प करेगी। उसके लिए रेहान भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक कंपेन चलाई जाए। बहुत मैंने 2-3 कंपेन्स देखी हैं, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि मामला चेंज नहीं हो रहे हैं। इस कंपेन ऐसे मैसिव कंपेन चलाई जाए, पूरी सोसाइटी को इन्वॉल्व किया जाए, एकेडीमिया को इन्वॉल्व किया जाए,
रेडी वाले को इन्वॉल्व किया जाए, कैब ड्राइवर को इन्वॉल्व किया जाए, वो जो पोचा लगा रहा है उसको भी इन्वॉल्व किया जाए, उन तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि भाई ये तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन बच्चों को स्कूल होना चाहिए। जो पोचा लगवा रहा है ये उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पोचा लगा रहा है उसकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये हमें स्कूल भेजना है और हमें स्कूल जाना है। इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मैं काफी सारे लोगों से मैंने बात की है कि किस तरह हम इसको कर सकते हैं, सोशल मीडिया को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को किस तरह इस्तेमाल सकते हैं, हम अपनी सोसाइटी को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। 2.5 करोड़ अगर बच्चे जा रहे नहीं जा रहे, तो अगर एक मीडिया पे, एक सोशल मीडिया पे 2.5 करोड़ लोगों का मेरे पास पूल आ जाए जो कि एक ही थॉट प्रोसेस शेयर कर रहे हैं, तो एक बंदे ने सिर्फ एक ही बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, उसने पूरी दुनिया की नहीं उठानी है, उसने पूरी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी, एक बच्चे की कोई थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा तो फिर शायद हम इस मामलात में हम आगे चल पाएंगे। लेकिन मुझे अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा कि हम किस तरह इसको हम कर सकते हैं। मैं अपनी एफर्ट्स कर रहा हूँ, अपनी कोशिश कर रहा हूँ, लोगों से मैं मिल रहा हूँ, इसी सिलसिले में मैंने आपसे भी रब्ता करने की कोशिश की है कि आप मुझे बताइए, गाइड कीजिए कैसे हम इसको, हम उस लेवल की कंपेन हम चला सकते हैं पाकिस्तान। मैं व्हील को री इन्वेंट नहीं करना चाह रहा, अली फलान ने बड़ा अच्छा काम किया है, आओ पढ़ाओ ने बड़ा अच्छा काम किया है, इन लोगों ने काम किए हैं, लेकिन मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जो ऑलरेडी वो कर चुके हैं और वो कर रहे हैं, तो मैं कोई उनके साथ मैं कंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, कम्पीट नहीं मैं करना चाहता। तो कोई ऐसा तरीका हम करना चाहते हैं कि इन लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए, पाकिस्तान की हर कम्युनिटी के, हर सोसाइटी, हर बंदे तक ये मैसेज पहुंच जाए, जिस तरह साबिर ने किया है। ऐसी एग्जाम्पल्स को हम लेकर आए, मैं इन लोगों को इकट्ठा करना चाहता हूँ, एक कॉन्फ्रेंस करवाना चाहता हूँ सेप्टेम्बर के अंदर, हर वो बंदा जो इंडिविजुअल लेवल पे ये काम, उनको बुलाया जाए कि किस तरह आपने ये सोसाइटी के अंदर ये चेंज ला कर आए हैं, कैसे हम लोग किस तरह कर सकते हैं। मैं उन लोगों को बुलाना चाहता हूँ जो कि ये आइडियाज मुझे दें कि हम टेक्नोलॉजी को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, हम करिकुलम को किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। ये मैं प्रपोजल मांगना चाहता हूँ अपने लोगों से, किस तरह हम इन चीजों को कर सकते हैं। 10 साल का एक प्रोजेक्ट हो कि 10 साल के अंदर जो है वो, 10 साल के बाद जो हम देखें कि 2030 30 10 साल के बाद कोई बच्चा भी स्कूल से बाहर ना हो, और ये मेरी विजन है, ये मेरा ख्याल है, ये इस पे मैं काम कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ, और इसलिए मुझे अपने ही लोगों की जरूरत है और आप जैसे लोगों की जरूरत है। ये मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले एक ही बच्चा स्कूल में अगर चला जाए तो माई लाइफ इज पेड ऑफ। सही। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपके जज्बात का। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे जितने भी लोग पाकिस्तानी पाकिस्तान अमेरिका में रहते हैं, आपकी कंडीशन वाले ख़ास तौर पे, जो कि एक मुतवस्सित अमेरिका आए, वो सब इसी तड़प में मुझे मिलते हैं। जब भी मैं मिलता हूँ वो तड़प रहे होते हैं, लेकिन वो एक चीज़ जो है वो मुझे तकलीफ़ देती है, वो ये कि वो स्टेप्स नहीं लेते। तो आपने तो बहुत सारे स्टेप ले ही लिए हैं, एंड उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने 1.5 साल पहले यहाँ पे पाना का भी पौधा लगाया है, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका करके, कि हम सारे जो पाकिस्तानी हैं इकट्ठे ऑनलाइन तो हो जाएं पहले, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो कनेक्शंस हैं, अमेरिका में मिलियन लोग रहते हैं, और जो दुनिया पूरे अमेरिका में जो एशियंस हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाल, जी, दुनिया में सबसे अमेरिका में सबसे ज़्यादा अमीर हैं, जो उसका सर्वे है, नज़र नहीं आते लोगों को, लेकिन दे आर द रिचेस्ट इन दिस कंट्री। तो उनके पास ताकत भी है, लेकिन मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आपने जो जो चीज़ें मुझे बताई हैं, मेरे तो आज जैसे GRE का आज पहली दफ़ा मेरे भी इल्म में आया। बहुत दफ़ा GRE सुना था, लेकिन होता क्या है कि सोल्यूशन अक्सर बहुत सिंपल होते हैं और नज़रों के सामने होते हैं, और आप तो फिजिसिस्ट हैं, एंड लेकिन हम उसको बहुत कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, और उस कॉम्प्लिकेशन को इसलिए बना देते हैं कि यार तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते, एंड दैट एक्चुअली क्रिएट्स मोर फर्दर प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपसे सवाल करूँगा कि आपने कहा कि 30 मिलियन या 3 करोड़ बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं, ये आपको नंबर किसने दिया है? कि आउट ऑफ स्कूल और बेगर दो अलग अलग चीज़ें हैं। आउट ऑफ स्कूल इज़ अ डिफरेंट सिचुएशन कि वो स्कूल नहीं जाते, बट जो बेगर्स हैं, जो मांग रहे हैं, आप रोड पे जा रहे हो, खड़े हैं, वो नंबर मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा है जितना कि आप समझ रहे हैं। हाँ नहीं, वो नंबर इतना बड़ी है, मैं आउट ऑफ स्कूल की बात कर रहा हूँ, और ये डेटा मोस्टली अलिफ लाम ने कलेक्ट किया है,
और कुछ और ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ जिन्होंने ये नंबर्स बनाए हैं, अब इसके अंदर रियलिटी कितनी है मुझे पता नहीं, लेकिन अली फलाह काफी ऑथेंटिक उनकी रिसर्च है, उसके ऊपर मैं जाऊं तो तकरीबन 2.5-3 करोड़ के करीब वो कहते हैं जी बच्चे जो है पूरे पाकिस्तान में वो स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, मेरे जाती बच्चे जो हैं वो भी आउट ऑफ स्कूल हैं, मैं भी उनको स्कूल नहीं भेजता। एंड ये एक मुझे 4-5 साल हो गए हैं ये एजुकेशन को मैंने जब छूना शुरू किया, 4 साल तकरीबन हो गए हैं जब मैंने कहा कि यार मैं भी एजुकेशन के लिए कुछ अगर कर सकता हूँ तो कर लूँ। एंड देन आई क्रिएटेड द स्कूल, एंड आई डोंट नो अगर आपने वीडियो तो शायद देखी होगी, लेकिन जी आपने डब्बा देखने का इत्तेफाक हुआ है या नहीं। जी मेरा जी देखिए ज़ाती तौर पर ये ख्याल नहीं है कि 10 साल के बाद हमारी दुनिया ऐसी होगी जैसे कि आज है। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स हर पाकिस्तानी जो है जिस तरह वो एक नॉर्मल, वो जो एक हमारे उस्ताद हैं वो कहते हैं ये जो फ़ोन है हमारा वो पुर्जा है जो अल्लाह मियाँ अंदर लगाना भूल गए थे, तो वो पुर्जा जो है वो मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो हर पाकिस्तानी के हाथ में वो पुर्जा आ जाएगा। और जैसे ही वो पुर्जा आता है और उस पर इंटरनेट ऑन होता है तो हमारा जो डेटा हमने जमा किया है, हमने जो काम किया पिछले बहुत सालों में, वो ये दिखाता है कि आपने अगर किसी को भी एक स्मार्टफोन दे दिया हाथ में और इंटरनेट एक्सेस दे दी और गूगल दे दिया, तो अब वो बच्चा वो नहीं रहता जो वो था, वो एक डिफरेंट मखलूक बनना शुरू हो जाता है। और जितने भी दुनिया में मुझे इंटरेस्टिंग सिलिकॉन वैली में लोग मिलते हैं वो यही कहते हैं कि जो सबसे एक्साइटिंग चीज़ मुझे नज़र आती है, और मुझे भी सबसे एक्साइटिंग चीज़, निकोलस निग्रोपोंटे भी यही बोलते हैं कि सबसे एक्साइटिंग चीज़ जो दुनिया में होने वाली है वो हमने अभी तक देखी नहीं। और वो इसलिए नहीं हमने देखी क्योंकि वो जो 2 या 3 बिलियन अनकनेक्टेड लोग इंटरनेट पे आएंगे जिनके जो दिमाग हैं वो अनट्रेंड हैं, ना उन्होंने कभी कॉलेज देखा है ना उन्होंने यूनिवर्सिटी देखी है, और उनके सामने सारी दुनिया कायनात का इल्म हम गूगल के ज़रिए रख देंगे कि वो सिर्फ गूगल से बातें कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, एंड दे विल बी एबल टू लर्न, दे डोंट नीड टू बी एबल टू रीड और राइट, वो सिंपली उसे बात कर रहे होंगे और वो सीख रहे होंगे, तो उनके जो दिमाग वो जो चीज़ें क्रिएट करेंगे दैट वुड बी एस्टॉनिशिंग, दैट विल चेंज द वर्ल्ड इन अ वे विच वी कैन नॉट इमेजिन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो आजकल एक लड़का जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, वो कभी स्कूल नहीं गया ज़िंदगी में, वो मेरे पास काम करता है, उसकी तनख्वाह शायद 12,000 रुपये है, और थोड़े दिन 1 साल पहले मैंने उसको एक ख़राब फ़ोन दिया, फिर उससे अच्छा दिया, फिर उससे अच्छा दिया, अभी जो लेटेस्ट मैंने उसको फ़ोन दिया उसकी कीमत 6-4 हज़ार रुपये है। और उस फोन, अच्छा उस बच्चे को इंग्लिश लिखना नहीं आती, लेकिन उसको मैंने 10 मिनट एक दिन बैठा, जब मैं उसको वो फ़ोन से मानूस हो चुका, जैसे नर्सरी में हम बच्चे को पढ़ाते नहीं है, खेलने के लिए चीज़ें देते हैं, तो उसको जब हमने ये फ़ोन दिया तो उसने मुझे एक दिन, मैंने देखा कि मुझे इंग्लिश में मैसेज आ रहा है और स्क्रीन शॉट आ रहा है, वो मैंने उसको गूगल ट्रांसलेट चलाना सिखा दिया, तो अब वो क्या करता है कि उर्दू बोलता है हिंदी बोलता है वहाँ से इंग्लिश नर्सरी आ जाती है, उसका स्क्रीन शॉट लेके मुझे भेज देता है हाउ आर यू, यानी कि वो बोल नहीं रहा है बल्कि वो अंग्रेजी उसको पढ़ना भी नहीं आती, और वो ट्रांसफॉर्मेशन उसने शुरू कर दी अपनी ज़िंदगी के ऊपर। एक और हमारा जो पिछला चौकीदार था वो 3 साल 4 साल तक हमारे साथ रहा, बल्कि ज़्यादा ही रहा होगा, उस वो कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गया, उसने अंग्रेज़ी इतनी सीख ली कि उसने एक इंडोनेशिया की एक लड़की को प्रपोज भी कर दिया पाकिस्तान में बैठे बैठे, जो कि पाकिस्तान आने को भी तैयार हो गई। एंड मैंने मुझको मैसेज करती है कि मैं पाकिस्तान आना चाहती हूँ, तो मैंने उसको कहा भाई खैरियत कौन लड़का मिल गया तुमको, तो कहता है ये, कहती है ये लड़का, मैं कहा भाई इसकी $70 तनख्वाह है तुम खाओगी कहाँ से, कहती जी मैं कमा के खिलाऊंगी, मैंने अपना सर पकड़ लिया ये देख कर कि ये क्या हो गया। फिर एक और हमारा चाय वाला जो बनाने वाला था जो मदरसे का स्टूडेंट था, आज वो हमारे नॉक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, PHP उसको आती है, MySQL उसको आती है, आप कोई भी उसको काम दे दें वो कर लेता है, उसके पूरे ख़ानदान में कभी किसी ने कंप्यूटर नहीं देखा, जब हमने उसको हाथ में लैपटॉप दिया पहली दफ़ा, हमारे चाहे जो भी ऑफिस आते हैं ना उसको हम लैपटॉप ज़रूर देते हैं कि खेलो उसके साथ, तो वो जब पहली दफ़ा हमने उसको ईमेल बना के दिया, तो आप उसका इंटरव्यू देखें 5 साल पुराना, तो उसने कहा जी मेरे तो गाँव में कोई ईमेल नहीं चलाता, मैं किसको ईमेल करूँगा, सो दैट वॉज हिज क्वेश्चन। एंड टुडे आप उसका जो विजन है वो इट्स अनबिलीवेबल। एंड इफ यू रिमेम्बर के अभी जब मोदी आए थे सिलिकॉन वैली में थोड़े दिन पहले, तो उन्होंने डिजिटल इंडिया अनाउंस किया था, और उसके बाद हमने डिजिटल पाकिस्तान, एक मेरी मैंने सोसाइटी बनाई थी इंटरनेट प्रमोशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, 4-5 साल पहले, उससे भी ज़्यादा हो गया बल्कि, उसको हमने नया गोल सेट किया कि हमारा गोल ये होना चाहिए कि लेट्स
टीच अ चाइल्ड हु इज़ अनएजुकेटेड कि ये गूगल नाउ क्या होता है, आप गूगल से बात करके कैसे सीख सकते हैं, और फेसबुक के ऊपर आप तस्वीरें तो देख सकते हैं, तो आप किस तरह से लोगों की तस्वीरें देख के सीख सकते हैं। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि एजुकेशन का ताल्लुक जो है क्यूरियोसिटी से होता है। अगर आपको क्यूरियोसिटी हो जाए किसी चीज़ की, तो आप फिर वो जो है वो नहर खोद ही देंगे आप दूध की ना, अगर आपकी अंदर ख्वाहिश पैदा हो जाए किसी चीज़ की। और स्कूल जो है वो ये काम अनफॉर्चुनेटली नहीं करता है। तो मेरे एक दो किताबें मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिसके पास बात से मेरे अंदर बहुत कामनेस आ गई है। मैं भी बहुत परेशान रहता था कि ये क्या होगा, और इसी तरह आपके वाले कर्व से गुजरता था कि ये क्या होगा। तो उसके अंदर एक किताब है अबंडेंस, और पता नहीं आपकी नज़र से गुजरी है नहीं गुजरी है। नहीं इसको लिखा है पीटर डियामांटिस ने, और दूसरी किताब है सिंगुलैरिटी इज़ नियर। ये दो किताबें अगर आप पढ़ लेंगे तो, और अगर ये दूसरी किताब रे कर्ज़वाइल ने लिखी है उसको उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके अंदर शायद थोड़ी सी कामनेस आ जाएगी। क्योंकि जो जो फिजिक्स का जो या मोर्स लॉ का जो कर्व है टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन का, वो बहुत इफेक्टिवली ग्रो हो रहा है। चाहे हम कुछ भी ना करें, ये जो डिवाइसेस हैं स्मार्ट, आज का iPhone 6 आज से 5 साल बाद 2,000 रुपये का अवेलेबल होगा, ये एक गिवन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी आप अमेरिका में रहते हैं आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ क्या होता है, और आप खुद भी फिजिसिस्ट हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें थोड़े दिन और परेशानी ज़रूर होगी, लगता है कि ये बहुत बड़ा बम है और फट जाएगा, तकलीफ़ में आएंगे, लेकिन जैसे ही ये हमारे हाथ में एक खिलौना कॉल स्मार्टफोन विद इंटरनेट आ जाएगा और हम इसका इफ़ेक्टिव यूज़ सीखना शुरू कर देंगे, तो ये जो मसाइल हमारे सामने ये आहिस्ता 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 करके ख़त्म हो जाएंगे। हमें उस टाइम की तैयारी करनी चाहिए कि हाँ, अब ये 200 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं या 300 मिलियन हो जाएंगे 10 साल में, या 250 मिलियन हो जाएंगे, तो उनके हाथ में अब स्मार्टफोन आ गया, अब हम उनको क्या ऐसा सम्त दिखाएं या कौन से डायरेक्शन दिखाएं कि अब वो अपने आप को उस गुर्बत से बाहर निकाल लें और उसको लेवरेज कर लें। कि ये एक बस स्मार्टफोन तो है, लेकिन उसको आप लेवरेज कैसे करें कि आप अपने मसले से बाहर आ जाएं। ये एक चीज़ है जिसको हम एक ब्रेक लेके दोबारा इस पर बात करते हैं। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा।